हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जौहर अली में। तो जैसा कि आपने मेरे पिछली वीडियो में देखा कि ये बैग मैंने आप फ्लिपकार्ट से मंगवाया है 700 रुपये का। सिर्फ आप लोगों को इस बैग के डिज़ाइन को हम कटिंग किस तरह से करेंगे और बनाएंगे किस तरह से वो बताने के लिए। अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब बटन के बगल में जो ज्वाइन बटन है, आप वहाँ से चैनल को ज्वाइन करके मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि अगर आपको मेरे वीडियो से थोड़ा भी फ़ायदा होता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका जो सामने का हिस्सा है हम इसे इतना कितना साइज का लेंगे। तो हमारा जो ये वाला हिस्सा है इसे हम लेंगे 16 इंच लंबा और इसका चौड़ाई होगा 6.5 इंच, और इसमें एक साइड में चैन लगा हुआ है। उस साइड में हम कपड़ा लेंगे 2.5 इंच चौड़ा और 16 इंच लंबा, और दूसरा साइड में चैन नहीं लगा हुआ है। तो इसके लिए हम लेंगे 2.5 इंच चौड़ा, मतलब 3 इंच में 2 सूता कम, और लंबाई उतना ही 16 इंच, ये हो गया। और फिर 1.5 इंच चौड़ा और 16 इंच लंबा, 1.5 इंच चौड़ा और 16 इंच लंबा का 2 पीस टुकड़ा और लेंगे हम। ये हो गया हमारा सामने वाला कंप्लीट। अब हम लेंगे ये वाला, ये जो हमारा है ये वाला। तो इसके लिए हम कपड़ा लेंगे 6 इंच चौड़ा और 21 इंच लंबा, और हाँ, इस कपड़े का नाम है हाईपूरा, ठीक है, ये हाईपूरा है। 6 इंच चौड़ा और 21 इंच लंबा कपड़ा लेने के बाद हम इस तरफ से एक निशान लगाएंगे 2 इंच पर, 2 इंच पर हम यहाँ निशान लगाएंगे, और इस ऊपर से इस तरफ से हम एक और निशान लगाएंगे यहाँ पे 6.5 इंच पर। ये हो गया हमारा 2 इंच और ये हो गया 6.5 इंच, और एक बार इसे हम सेंटर कर लेंगे, सेंटर का निशान हम लगा लेंगे। अब जो ये हमारा 6.5 इंच का निशान है इसे हम इस तरह से यहाँ से रखकर फोल्ड कर लेंगे 6.5 इंच पर और इधर 2 इंच पर। इस तरह से करने के बाद हम इसे काट कर निकाल लेंगे। ये हमारा कट चुका। इसे काटने के बाद जो हमारा सेंटर का निशान है, जो हमने सेंटर का निशान लगाया है, वहाँ से हम नापी करेंगे। सेंटर के पास में एकदम सेंटर के पास ही हम निशान लगाएंगे 1.25 इंच पर, 1 इंच 2 सूता। ये हमने 1 इंच 2 सूता पर एक निशान लगा लिया सेंटर के पास। उसके बाद हम यहाँ से काटना शुरू करेंगे, हल्का राउंड करेंगे हम यहाँ पे। जो हमारा सेंटर का निशान है वहाँ तक ही हम काटेंगे, उसके बाद हम इसे इस तरह से कर लेंगे। इस तरह से बराबर मिलाकर हम फिर इस तरफ वाला भी काट लेंगे। ये हो गया हमारा। इसे करने के बाद हम इस तरफ 1/2 इंच जितना हम इस तरह से मोड़ लेंगे, 1/2 इंच इस तरह से हम मोड़ लेंगे इस तरह से। उसके बाद हम इसे काट कर निकाल लेंगे। ये हमारा इस तरह से कट जाएगा 1/2 इंच। उसके बाद हम नापी करेंगे यहाँ से हम नापी करेंगे 3 इंच पर। जो हमारा सेंटर का निशान है वहीं पर हम निशान लगाएंगे 3 इंच का। इसे निशान लगाने के बाद यहाँ से हम हल्का राउंड करते हुए ये जो हमारा सेंटर का निशान है जहाँ हमने 3 इंच का निशान लगाया है वहाँ तक हम आएंगे। उसके बाद हम इस तरह से कर लेंगे। ये हो गया। उसके बाद हम इस तरह से करके ये जो नीचे वाला है ये हमारा कट चुका है। और जब आप इसे इस तरह से काट लें, हम यहाँ से नापी करेंगे,
इधर से जितना भी है हमारा कितना है हम इसे नापी करेंगे। इधर से नापी होगा, इधर से नापी करने के बाद आपका आएगा 24 इंच। अगर 24 इंच आता है तो समझिए कि सही है, और नीचे से आएगा 21 इंच, नीचे से 21 इंच और ऊपर से 24 इंच आना चाहिए। और जब हम यहाँ से यहाँ तक 21 इंच आना चाहिए, नीचे से 19.5 इंच आना चाहिए। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। अब हम तल्ली निकालेंगे, ये जो तल्ली हमारा हम इसे निकालेंगे। तो तल्ली निकालने के लिए हम जो कपड़ा लेंगे उसका साइज होगा 8 इंच चौड़ा और 14.5 इंच लंबा, और जो हमारा तल्ली है हम उसे पूरा राउंड करेंगे। पूरा राउंड करने के लिए हम सबसे पहले इसे हम सेंटर कर लेंगे, उसके बाद नीचे से करीब 1 इंच छोड़कर हम इसे राउंड करेंगे। ऊपर राउंड करने के बाद नीचे भी हमारा थोड़ा सा राउंड होगा, नीचे से 1.25 इंच ऊपर हम यहाँ से राउंड करना शुरू करेंगे हल्का सा। इस तरह से राउंड करने के बाद हम नापी करेंगे इसका गोलाई, इसका साइज होगा 21.5 इंच। यहाँ से इस तरह से नापी करेंगे हम तो इसका 21.5 इंच आना चाहिए, और यहाँ से नापी करेंगे तो 15 इंच आना चाहिए। ये हो गया हमारा नीचे का तल्ली। उसके बाद हम पट्टा ले लेंगे, पट्टा का साइज होगा 19 इंच लंबा और 4 इंच चौड़ा। अगर आप इस तरह का पट्टा किस तरह से कटिंग करेंगे अगर आपको वो नहीं पता तो आप ये वीडियो देख लें, आप इस तरह का पट्टा आप किस तरह से बनाओगे वो आप जान जाओगे ये वीडियो देखकर। उसके बाद हम साइड निकालेंगे, ये हमारा साइड है, ये इस तरह का है, यहाँ से पतला है और फिर उसके बाद इस तरह से चौड़ा है। तो चलिए हम देखते हैं कि हम इसे किस तरह से निकालेंगे। तो इसके लिए हम कपड़ा लेंगे 2 पीस, 8 इंच चौड़ा, 13 इंच लंबा। सबसे पहले हम इसे सेंटर कर लेंगे, इस तरह से एक सेंटर का निशान हम लगा लेंगे। उसके बाद जो हमने सेंटर का निशान लगाया है उसी जगह पर हम नापी करें, उसी जगह पर हम एक 6 इंच पर एक निशान लगा लेंगे। ये हमारा 6 इंच पर एक निशान हो गया। उसके बाद जो हमारा 6 इंच का निशान है हम वहीं यहाँ से नीचे हम करीब एक सूता ऐसा रखेंगे, और जो हमारा 6 इंच का निशान है हम वहाँ तक इस तरह से फोल्ड कर लेंगे, और फिर पूरा इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। उसके बाद हम इसे इस तरह से कर लेंगे, ये हो गया। इस तरह से करने के बाद जो हमारा सेंटर का निशान है हम वहीं उसी जगह पर नापी करेंगे 1.25 इंच का। जो हमारा सेंटर का निशान है उसी जगह पर हम एक निशान लगाएंगे 1.25 इंच पर। उसके बाद जो हमारा सेंटर का निशान है वहाँ से काटते हुए हम जो हमने 1.25 इंच का निशान लगाया है वहाँ तक जाएंगे। इतना काटने के बाद 1.25 इंच, उसके बाद हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे। यहाँ करीब 2 सूता ऐसा छोड़ देंगे ऊपर में, इस तरह से तिरछा करके हम इसे काट कर निकाल लेंगे। ये हो गया हमारा साइड, ये इस तरह का रहेगा। उसके बाद हम इसे इस तरह से रखकर हम दूसरे वाला को भी निकाल लेंगे। उसके बाद जो हमारा बोतल है हम 2 पीस बोतल लेंगे, इसका साइज होगा 7x8, ये हम 2 पीस लेंगे। और फिर जो हमारा बैग का पल्ला होगा उसके लिए हम ये नेट लेंगे, नेट का साइज होगा हमारा 14.5 इंच लंबा, 14.5 इंच चौड़ा और 18 इंच लंबा। इसे राउंड करने के लिए हम नापी करेंगे ऊपर से 7 इंच, यहाँ हमारा 7 इंच आ रहा है, यहाँ हम एक निशान लगा लेंगे, ये हो गया। और इस तरफ से हम एक निशान लगाएंगे
6 इंच पर, ये हो गया। उसके बाद हम इसे जो हमने 7 इंच का निशान लगाया है वहाँ से काटते हुए हम 6 इंच पर जाएंगे। अंडे का जैसा हम इसे बनाएंगे, ये हो गया हमारा बैक पल्ला राउंड, ये इस तरह का रहेगा। उसके बाद हम ये वाला लेंगे, ये वाला जो है इसे हम लेंगे। इसका साइज होगा 14 इंच लंबा और 3 इंच चौड़ा। उसके बाद हम चेंबर का चनपट्टी लेंगे। चेंबर का चनपट्टी का जो हमारा साइज है वो होगा 30.5 इंच लंबा और 1.5 इंच चौड़ा। ये हम 2 पीस लेंगे। तो इसमें जो लगने वाली चीज़ें हैं वो मैं ज़्यादातर आप लोगों को बता चुका हूँ, अभी सिर्फ इसमें बाकी है। तो चेंबर का साइड और मेन वाला चनपट्टी, ये मैं आप लोगों को इसका स्टिचिंग के वीडियो में बताऊंगा कि इसका चनपट्टी का साइज़ कितना होगा और किस तरह से काटेंगे, और चेंबर का साइड कितना होगा और किस तरह से काटेंगे। अभी मैं आप लोगों को इसका साइज़ नहीं बता सकता। तो अगर आप लोगों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।